हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द चित्रा साइंस हब हमारा आज का टॉपिक है साइक्लिक वोल्टामीट्री अब क्या है हमारी साइक्लिक वोल्टामीट्री साइक्लिक वोल्टामीट्री हमारी एक इलेक्ट्रोकेमिकल टेक्निक है जिसमें जो है आपका हम करंट मेजर करते हैं किसका एक रेडोक्स एक्टिव स्पीशीज का कैसे हम मेजर करते हैं बाय स्कैनिंग द पोटेंशियल टू और मोर सेट वैल्यूज इन बोथ फॉरवर्ड डायरेक्शन इसमें क्या है पोटेंशियल को हम स्वाइप करते हैं पहले हम पॉजिटिव से आपका नेगेटिव की तरफ लेके जाते हैं फिर आपका नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लेके आते हैं या नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लेके आए और फिर वापस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लेके जाएं

जीरो पॉइंट फोर से जीरो पॉइंट टू जीरो और फिर माइनस टू और फिर माइनस फोर तो हमें इस तरह का ग्राफ मिला एक तो ये हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन का इस तरह का और एक मिला हमें आपका रिवर्स डायरेक्शन का जो ये फॉरवर्ड वाला है इसे हमने कहा ऑक्सीडेटिव स्कैन क्यों क्योंकि हमारा स्पीशीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है कैसे चूंकि नेगेटिव से पोटेंशियल पॉजिटिव की तरफ जा रहा है अब जो दूसरा आ रहा है जब हमारा पोटेंशियल पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आया रिवर्स डायरेक्शन इसे हमने कहा रिडक्टिव स्कैन अब जो साइक्लिक वोल्टाट्री है ये भी इसमें हमारे तीन तरह के इलेक्ट्रोड्स यूज होते हैं जैसे हमने जनरली हमारी वोल्टाट्री में यूज होते हैं एक वर्किंग इलेक्ट्रोड है एक ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड है एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है जो भी एक्शन हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है रिडक्शन हो रहा है सब हमारा किस पे हो रहा है वर्किंग वर्किंग स्पीशीज पे सॉरी वर्किंग इलेक्ट्रोड के ऊपर हो रहा है ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड का क्या काम है ये हमारा सर्किट कंप्लीट करने के काम में आता है और तीसरा है रेफरेंस इलेक्ट्रोड जिसके रेस्पेक्ट में हम हमारा जो है करंट मेजर करते हैं तो हमारा ये सब प्रोसेस हम जो है प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं हम वोल्टामेट्री में कि ये किस तरह से हमारा फंक्शन करता है हमारा अब साइक्लिक वोल्टामेट्री में जैसे कि हमने पढ़ा है कि एक डक शेप्ड ग्राफ मिलता है अब जब हम आपका वोल्टेज हम चेंज बढ़ाते हैं कहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ लेके जाते हैं तो स्पीशीज का हमारा ऑक्सीडेशन होता है और ये हमारा यहाँ हम जैसे समझ लो हमने पीछे ग्राफ में देखा कि माइनस फोर से हम जो है उसे प्लस फोर तक लेके जा रहे हैं तो ये हमारा स्टार्टिंग का जो है यहाँ पे हमारा करंट बहुत कम प्रोड्यूस हो रहा है क्यों क्योंकि ये जो यहाँ जो करंट आ रहा है हमारा ये रेजिडुअल करंट है रेजिडुअल करंट जो होता है हमारा जो यदि हमारा एनालाइट सॉल्यूशन में कोई कोईटीज प्रेजेंट होती है तो उसकी वजह से होता है फिर हमारा ये शार्प इंक्रीज आ रहा है इस जगह हमारे पहुँच जाएगा तो एट वन पॉइंट मैक्मम करंट इज ऑप्टेंट विच इज़ कॉल्ड एनोडिक पीक करंट एक समय पे हमारा मैक्सिमम करंट प्रोड्यूस होगा और इसे हमने कहा आपका एनोडिक पीक करंट जो हमारा क्या है जो है हम जो है स्कैन को कहाँ से लेके जा रहे हैं आपका नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लेके जा रहे हैं रिडक्शन हो रहा है स्पीशीज इस का इसलिए जो करंट प्रोड्यूस हुआ वो क्या हुआ हमारा एनोडिक पीक करंट हुआ अब

Uh, जो है इन रिवर्स डायरेक्शन आल्सो अ मैक्सिमम करंट इज ओपटेन कॉल्ड एनोडिक पीक करंट रिवर्स डायरेक्शन में भी हमारा क्या है एक मैक्सिमम करंट हमें मिल रहा है जिसे हमने क्या कहा एनोडिक पीक करंट और जिस वोल्टेज पे हमें एनोडिक पीक करंट मिल रहा है मीन्स मैक्सिमम करंट मिल रहा है उसे हमने कहा आपका कैथोडिक पीक वोल्टेज वो वोल्टेज जिसपे हमें मैक्सिमम करंट मिल रहा है और इसे हम डिनोट कर रहे हैं ई पी सी से अब जो साइक्लिक वोल्टामीट्री में पोटेंशियल वो वो को हम स्वाइप कर रहे हैं दो फिक्स वैल्यू दो वैल्यूज के बीच में एक फिक्स रेट पे तो वोल्टेज रिचेज पहले हमारी क्या है वोल्टेज V1 से V2 पे आई वापस से V2 से फिर V1 पे आई तो हमारा क्या है यदि हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं पोटेंशियल और टाइम के बीच में पोटेंशियल और टाइम के बीच में यदि हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें इस तरह का एक वेव फॉर्म का ग्राफ मिलता है आपका वी वन से वी टू पे जाएगा फिर वी वन पे आएगा फिर वी टू पे फिर वी वन पे तो हमें एक क्या कैसा क्या, मिलता है वेव के फॉर्म में हमें एक ग्राफ मिलता है तो ये था हमारा टॉपिक साइक्लिक वोल्टामेट्री का नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे तब तक के लिए थैंक यू